बर्डवाज न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। आइए नए डालते हैं धर्म की बड़ी खबर पर। हिंदू युवा वाणी के संगठन के सदस्यों ने विक्रांत गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 6/2/2019 की रात 15 वर्ष की मासूम के साथ रेलवे स्टेशन के समीप हुए दुष्कर्म के मामले व प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में उन्होंने बताया किस प्रकार हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं मुस्लिम समाज के सद्दाम के द्वारा 15 वर्ष की मासूम बालिका के साथ जो दुष्कर्म किया गया, वह एक आतंक अपराधी है, उसको फांसी की सजा की भी मांग हिंदू युवा वाणी संगठन के द्वारा की गई। आइए सुनते हैं क्या कहा हिंदू युवा वाणी संगठन के अध्यक्ष विक्रांत गुप्ता ने। अपराधियों में किसी प्रकार का खौफ नहीं देखा जाता है, जगह जगह अपराध हो रहे हैं, खासतौर पर महिला अपराध। अभी 6 तारीख को एक घटना हुई, 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। हम आपके माध्यम से महामहिम जी को बेहतर निवेदन कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों में फांसी होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के लोगों में एक खौफ हो और सख्ती से अंकुश लग सके। जगह जगह इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। इसके अलावा नगर में स्कूलों के बाहर आप देखते होंगे जगह जगह बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ भी छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार तो मीडिया और प्रशासन के सामने भी ऐसी घटनाएं नहीं आ पाती। इन्हीं सब विषयों को लेकर यह ग्रामीण आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारी यही मांग कि पुलिस प्रशासन अपने सजग रहे, सतर्कता से और सख्ती से ऐसे मामलों में कदम उठाया जाए, यह सब विषयों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। स्कूलों के बाहर भी कई मन चले लोगों को घूमते रहे, इन मामलों में भी प्रशासन अपनी सख्ती दिखाए और छुट्टी के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बिल्कुल लगाई गई। ये सब विषय खासतौर पर 6 तारीख की घटना को लेकर ज्ञापन किया। हिंदू युवा वाहिनी महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन सौंप रही है, जिसमें लगातार देश में, प्रदेश में, समाज में महिलाओं के प्रति जो यौन अपराध बढ़े हैं, जो अत्याचार बढ़ा है, उसके खिलाफ में हम यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस प्रकार के अपराधों में कड़ी से कड़ी सजा देते हुए, जैसे कि अभी पिछली 6 तारीख को रेलवे स्टेशन में एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ एक मुस्लिम युवक सद्दाम ने बलात्कार किया। खासकर इस विषय को लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं कि उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जिससे ये जो प्रदेश में, देश भर में महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, इसमें सख्ती से अंकुश लग सके। बस इन्हीं विषयों को लेकर आज हम यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। जय श्री राम। बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्मों के संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। और पिछले दिनों से मुसलमानों के द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म होने की घटना सामने आ रही है, और ऐसे लोगों को घंटा घर पर लटका कर रोज़ एक एक अंग काट कर प्रताड़ित कर करके जब तक वो मर ना जाए, और चौराहे पर हर व्यक्ति उन्हें पत्थर मार मार कर ख़त्म कर दे। और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, हमारी बेटियां
आज सार्वजनिक जगह पे भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी सुरक्षित नहीं है, मंदिरों में सुरक्षित नहीं है, स्कूलों में सुरक्षित नहीं है। और हर हिंदू समाज को जागरूक होकर और सामने आके विरोध करना चाहिए, और ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा तो बहुत कम से कम, और प्रशासन सचेत नहीं होता है तो हिंदू युवा ने उग्र आंदोलन करेगी दमोह बंद। जैसे इसके बाद उग्र आंदोलन।